देखो यहाँ पर काफी प्यारा लग रहा है यार, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये सारी आपको इसमें वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, भैया दौज, बहुत सारे फेस्टिव्स आने वाले हैं और वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने मीशो से शॉपिंग की है बहुत सारी ज्वेल्स। में होने वाली है हेयर एक्सेसरीज, ब्रेसलेट, झुमके, इयररिंग्स और नेक पीसेस, चोकर वगैरह। ना मुझसे हो सकता था मैंने इस हॉल में कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियो आप मिस ना कर सके। आने वाले हॉल बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, ये आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे हॉल वीडियो को। आप देख रहे हो फैशन विद स्टाइल, मैं हूँ आपकी काजल। लेट्स गेट स्टार्टेड। पुराना हो गया, आई नो। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हॉल वीडियो को हेयर एक्सेसरीज से। फर्स्ट है हमारे ये वाले हेयर बैंड, जो हार्डली मुझे 100 रुपए के अंडर हेयर बैंड से मिल गए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए। दो का सेट मुझे रिसीव हुआ, एक तो मेरे हेयर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है और दूसरा एकदम एग्जैक्ट मेरे हेयर कलर का है। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक है मेरे हेयर के अकॉर्डिंग। ये कुछ ऐसा सा आपको हेयर बैंड मिलने वाला है, देखो ज़रा आपको सर क्लियरली समझ आई, कुछ ऐसा सा होने वाला है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से इसकी ये गुथ बनाई गई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, 100 रुपीज़ में आपको ये दो मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैच हो गए। ये तो मेरे बाल में कुछ ऐसा था, ये आपको लगाने के बाद में लगने वाला, जैसे लोगों को देखा होगा ना यहाँ पे आप ये वाली चोटी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये लगाने के बाद ना। ये डार्क कलर है मेरे हेयर से, शायद एग्जैक्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है पता नहीं, आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये कुछ ऐसा सा लगने वाला है लगाने के बाद में, बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और 100 रुपये में आपको ये चीज़ मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा ये वाला अगेन हेयर बैंड है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये मुझे लगा था। इसमें ये आपको कुछ ऐसा सा हेयर बैंड मिलने वाला है, यहाँ पर ये इसमें पर्ल अटैच किए गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा, अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और लगाने के बाद में कैसा लगने वाला है ये कुछ ऐसा सा। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ से देख लो आप ये कैसा सा वेयर करने के बाद में लग रहा है। ये इतना प्यारा हेयर बैंड है ना कि आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा फैंसी हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बालों को अपना सिंपली सीधे कर लेना है और ये वाला हेयर बैंड लगा लेना है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। पार्टी फंक्शन के लिए, वेडिंग फंक्शन के लिए और फेस्टिव सीजन के लिए एकदम मुझे परफेक्ट लगा था, आपको कुछ भी ज़्यादा फैंसी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लगाया एंड दस गो फॉर इट, बहुत प्यारा है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे ये वाले हेयर बैंड, आप देख लीजिए ये मुझे कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव हुए हैं, कुछ ऐसा सा आपको ये स्टोन लगाए हुए मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तीनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, आपको लगा के मैं दिखाऊँ तो ये तो ये कुछ लगने के बाद में ऐसा सा लगने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सेकंड है हमारा ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कुछ ऐसा सा ही वेयर करने के बाद में लगने वाला है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये तीनों हेयर बैंड्स आई थिंक मुझे 120-130 रुपए के पड़े थे, हार्ड प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइस ना मीशो पे घटते और बढ़ते रहते हैं। जो मैंने मीशो से बाई किए वो मैं मेंशन कर दूंगी आपको स्क्रीन पर एग्जैक्ट प्राइस, जिस प्राइस से मैंने बाई किए थे। सो जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये हेयर क्लेचर, मेरे ऐसा सा आपको ये कुछ क्लेचर मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से इसका वर्क है, यहाँ पर ये वाले स्टोन लगाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, मोहॉक वाला डिज़ाइन है इसका, 150 रुपये में तो मैं कहूँगी एकदम वर्थ इट है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लगाना है ना, इसे जूड़ा बना के आप इसे लगा लोगे एंड दैट्स इट, हेयर स्टाइल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा गाइस। नेक्स्ट है हमारे ये रबर बैंड्स, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं पिक्चर में देखने पर, पिक्चर में ये कुछ और थे और मुझे दिए कुछ और गए हैं। पहले आपको ये वाली रबर बैंड मिलने वाली है, यहाँ पर आपको नज़दीक से दिखा पाऊँ तो, सेकेंड इसमें ये है, थर्ड इसमें ये है, ये वाली ये भी सेम है बस कलर अलग है। नेक्स्ट आपको ये वाली मिलती है कुछ ऐसी सी, और एक आपको ये वाली मिलती है और आपको ये वाली मिलती है। पिक्चर में आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, उसमें बो बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे से हैं, इसमें कोई भी बो वाला नहीं है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, अगर आपको पसंद आई तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। मुझे वो चीज़ चाहिए थी जो इन्होंने पिक्चर में दी गई, कलर तो इन्होंने सेम दिए हैं लेकिन डिज़ाइन एक भी सेम नहीं है, सो मैं तो करने वाली हूँ इनको रिटर्न। पीछे की नॉइज़ को प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कर देना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इनको ये शोर ना हो जाए, लेकिन क्या करूँ,
नेक्स्ट है हमारी, ये भी अगेन एक रबर बैंड है, 150 ना जाने 120 रुपए की मुझे ये दो रिसीव हुई है। क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा प्यारी है, कुछ ऐसी सी आपको यहाँ पर ये पर्ल मिल जाता है, यहाँ पर भी ये पर्ल है और छोटे छोटे से यहाँ पर ये मोतियों की डिटेलिंग मिल जाती है आपको, पास से मैं दिखा पाऊँ तो। सेम इसका भी है, यहाँ पर भी आपको पर्ल मिल जाता है लटका हुआ और ये भी आपको छोटे छोटे मोती मिल जाते हैं। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, रबड़ देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। 120-130 रुपए के हिसाब से मैं कहूँगी थोड़ी सी ये कॉस्टली है, इनको थोड़ा सा प्राइस डाउन मारना चाहिए था। आप अगर लगाओ 50-60 रुपए की आपको सिर्फ एक ये रबड़ मिल रही है, इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने ब्रेसलेट से। सो फर्स्ट हमारे ये वाले पैक ऑफ टू के ब्रेसलेट्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एक तो मल्टी कलर का और एक आपको ऑक्सीडाइज मिलता है। ओप्स, गलत खुल गया। ये मुझे कुछ ऐसे से मिले हैं दोनों ही ब्रेसलेट, तो कुछ सब मल्टी से इस पर स्टोन लगाए गए हैं। मल्टी है तो आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये आपको इसमें ये घुंघरू लटकाए हुए मिल जाते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये साइज़ का इसमें कोई इशू नहीं है, मोटा पतला आदमी आराम से इसे वेयर कर सकता है, कुछ ऐसा सा ये वेयर करने के बाद में लग रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा है यार ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप देखो ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। तो कहीं से भी चुभ नहीं रहा है, जैसे कि ये निकले हुए तो चुभेगा तो चुभ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सेकंड है हमारा ये वाला, लेकिन इसके ना घुंघरू निकले हुए हैं देखो यहाँ पे। आपको ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट मिलता है, यहाँ पे ये वाली स्टोन की डिटेलिंग मिल जाती है आपको, और यहाँ से नहीं हल्का सा निकल रखा है, अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो ये यहाँ से निकल रखा है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाले घुंघरू लटकाए गए हैं, ऐसा सा ही वेयर करने के बाद में लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये पहनने के बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो इसमें ये नहीं टूटा हुआ है तो ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। दूसरा पीस आएगा तो वो अच्छा आएगा, क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वेयर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम वर्थ इट है, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारा ये वाला वायरल ब्रेसलेट है, आपने इंस्टाग्राम पर इसकी बहुत सारी रील देखी होंगी। देखो कुछ ऐसा सा आपको ये मिलने वाला है, वेयर करने के बाद भी ना ये आउच थोड़ा सा टाइट हो रहा है यार, ये वेयर करने के बाद में इसकी लुक कुछ ऐसी सी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है वेयर करने के बाद में। सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर भी आप इसे वेयर करोगे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वगैरह पर पता नहीं कैसा लगने वाला है, लेकिन साड़ी सूट पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला ब्रेसलेट, पैक ऑफ फोर, आई थिंक 3 या 4 में आता है ये, और ये कुछ मुझे रिसीव टूटा हुआ रिसीव हुआ, इसमें से कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, देख इसमें से कुछ तो निकल गया है कि ये जो निकला है ना ये इसका निकला है, देखो ये ब्लैक वाला इसका निकला है, ये कुछ ऐसा सा लगेगा, वाइट एंड ब्लैक ऐसा सा, ये चूड़ी टाइप में ही है। फर्स्ट है ये, सेकंड है आपको इसमें ये वाला मिलता है, कुछ ऐसा सा डिज़ाइन है इसमें, आपको ये वाला मिलता है, ये सिंपल ही है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं था। और लास्ट आपको ये वाली इसमें ये चेन मिल जाती है कुछ ऐसी सी, ये कुछ ऐसा सा वेयर करने के बाद में लगने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। लेकिन उन्होंने मुझे टूटा हुआ दिया है तो वैसे ये चिपक जाएगा, अगर मैं फेविक्विक या कुछ करके चिपकाऊंगी तो शायद मैं इसे चिपका लूँ, रिटर्न क्या ही करना नहीं तो मैं इसे चिपका लूँगी थोड़ा सा ऐसे करके, तो प्यारा लगेगा ये काफ़ी ज़्यादा, देखो सुंदर है वैसे तो, पहनोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पीस से, जो फर्स्ट है हमारा ये वाला है, जो नीता अंबानी ने पहना हुआ था भाई साहब उसके ड्यूप है ये। ये कुछ आपको ऐसा सा इसमें पेंडेंट मिलने वाला है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, और पूरे पे ही आपको ये ग्रीन कलर के स्टोन लगाए गए हैं, ग्रीन एंड वाइट कलर के स्टोन है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वेयर करने के बाद में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है ये। ये मैंने आपको सूट के ऊपर वेयर करके दिखाया है, लेकिन आप इसे साड़ी के ऊपर वेयर करो जैसे नीता अंबानी ने वेयर किया हुआ, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। इसके कान के देखो, कान के भी आपको सेम ही मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, एकदम प्रीमियम क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है, वेयर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, डिसेंट सी लुक आने वाली है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। इन ऑरेंज साड़ी के ऊपर आप इसे वेयर करोगे ना कॉन्ट्रास्ट में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, करवा चौथ के लिए और वेडिंग पार्टी फंक्शन के लिए तो मुझे लगता है एकदम परफेक्ट है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर देना। चलिए नेक्स्ट दिखा। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा ये वाला नेक पीस, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसके स्टोन ये वाले देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसका ये वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और यहाँ पर ये वाली ये मोती की माला मिल जाती है आपको बहुत सारी, पहनने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, बहुत प्यारी लुक आने वाली है, आप इसे साड़ी सूट
लहंगे के ऊपर आराम से वेयर कर सकते हैं। ये वाले इसके कान के मिल जाते हैं, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर है। ये भी बहुत ज्यादा प्यारे लगने वाले हैं, वेयर करने के बाद में काफी ज्यादा प्यारे लुक आने वाले हैं, तो आप जरूर से ट्राई कर लेना। चलिए नेक्स्ट है वो है हमारा ये वाला चोकर, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें आपको कान की नहीं मिलती, सिर्फ आपको ये चोकर ही मिलने वाला है। प्लीज आप ये देख चोकर देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये पूरे में आपको ये पर्ल मिल जाते हैं, पर्ल से ना मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही प्यारा है, कुछ ऐसा सा मिलने वाला है ये। और वेयर करने के बाद में काफी ज्यादा प्यारा लुक डबल लेयर में मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। इसके कान के और उतना तो मजा आ जाता, आपको सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। मुझे लगता है कान के मुझे अलग से लेने पड़ेंगे, ऐसे लेने पड़ेंगे, बहुत ढूंढ खगोड़ करनी पड़ेगी। खैर मिल तो जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी आई है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला नेक पीस है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। आई होप कि इतना ज़्यादा प्यारा हमें रिसीव हुआ हो। ये देखो इसकी क्वालिटी कितनी गंदी रिसीव हुई है यार, मुझे बहुत ही गंदी तरह इलजा पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। आप देखो ज़रा यहाँ से भी इसका कलर निकल रखा है, यूज्ड, बड़ा ही बेकार सा लग रहा है। छोड़ो पड़े क्या ही, क्वालिटी भी अच्छी है, पोल भी अच्छे से लग रहे हैं और वेयर करने के बाद में अच्छा लगने वाला। लुक आपको वैसा सा नहीं मिलने वाला क्योंकि ये तो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं तो इसको रिटर्न करने वाली, इसके बारे में ज़्यादा बकवास करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट का। ओके जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये वाला चोकर, आप देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था, बिना किसी देर के मैंने इसको ऑर्डर लगा दिया था। बहुत ही छोटे छोटे से आपके इसके कान के मिलते हैं, देखो यहाँ पे छोटे छोटे से मोती और बहुत ही ज़्यादा प्यारी क्वालिटी है इनकी। आपको इसको छोटू सा मांग टीका मिलता है, कुछ ऐसा सा आप क्लियरली दिख रहा हो तो कुछ ऐसा सा आपको इसका मांग टीका मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आती है इसके चोकर की जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, देखो ज़रा एक बार आप इसे, कितना प्यारा है ये। इसकी डेलिंग बहुत ही सारी आपको इसमें लेयर्स मिल जाती हैं, कुछ ऐसा सा ये है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी क्वालिटी है, बहुत प्यारा लग रहा है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट का। नेक्स्ट है हमारा ये वाला कॉम्बो नेक पीस, इसमें आपको पैक ऑफ 5 मिलते हैं। तो ये कुछ पहले आपको हार्ट वाला मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सा मिलने वाला है, और सिक्स्थ आपको मिलने वाला है ये वाला, बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिसेंट सा है, आप इसे सूट पे जींस पे आराम से वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सबसे पतली चेन इसी की है, देखो जरा, अच्छा तो ये काफी ज्यादा लग रहा है। ये वाले का ना कलर निकला हुआ है, आप जरा पास से देख पाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर आप देखोगे तो इसका कलर निकला पड़ा है, ये काला ऊपर रखा है, कहीं से इसका पानी निकल रखा है, तो ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छे है, काफी ज्यादा गर्लिश है, आप नॉर्मली पहन सकते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब बारी आती है हमारे इयररिंग्स की, जिसमें मैंने बहुत सारे झुमके बाय किए हैं। मैंने जितने भी झुमके बाय किए हैं ना, सारे ही कॉम्बो में बाय किए हैं। फर्स्ट हमारे ये वाले झुमके हैं, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। ये आपको कुछ ऐसे झुमके मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको ये रियल मिरर का वर्क मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं वेयर करने के बाद में। अगर मैं इसके ऊपर भी पहनूंगी ना, देखा कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। नेक्स्ट है ना वो हमारे ये वाले झुमके, यहाँ पर आपको ये स्टोन वर्क मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको स्टोन वर्क मिल जाता है, यहाँ पर ये आपको मिरर मिल जाता है, और ये वाली झंझन बहुत प्यारी लग रही है, और ये वाला झुमका वेयर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, लाइट वेट है। आप इसे ओवरनाइट भी वेयर करके रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये एकदम वर्थ इट है। चलिए नेक्स्ट देखा। हमारे ये वाले इयररिंग्स हैं, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, सिंगल ही है। ये आपको कुछ ऐसा सा मिलने वाला है, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन है और ये वाली पर्ल्स की डिटेलिंग मिल जाती है आपको, काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, डिसेंट लुक देने वाला है ये। वेयर करने के बाद में इसकी लुक कुछ ऐसी सी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लाइट वेट है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये एकदम वर्थ इट है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है वो है हमारे ये झुमके का कॉम्बो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं सारे में, इसमें पर्ल्स की डिटेलिंग है, पैक ऑफ 3 आपको ये मिलते हैं, यहाँ पर आपको ये पर्ल्स की डिटेलिंग मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये वाली पर्ल्स की डिटेलिंग मिल जाती है, डिज़ाइन आप देख लीजिए कुछ ऐसे से मिलने। थर्ड है हमारे ये वाले झुमका, यहाँ पर भी आप इसकी डिज़ाइन देख लीजिए कैसी सी डिज़ाइन होने वाली है इसकी,
और यहाँ पर भी आपको ये रियल मिरर एंड ये वाले पर्स मिल जाते हैं। तीनों ही झुमके काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, आप इस कॉलेज आराम से वेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कहीं जा रहे हो ना तो भी इनको वेयर करके जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगने वाले हैं। सूट पे, साड़ी पे आप इन्हें आराम से वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे ये वाले झुमके, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये भी मुझे कॉम्बो में रिसीव हुए हैं, ऐसा सा आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रियल मिरर का वर्क मिलने वाला है और ये यहाँ पर फ्लावर्स की डिटेलिंग मिल जाती है। देख लीजिए कैसा सा ये लग रहा है, ऑल ओवर तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा झुमका है यार, ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है वेयर करने के बाद में। ये सिर्फ दिखने में ही बड़े हैं, वैसे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, आज फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किए थे और फर्स्ट टाइम में मेरा दिल खुश हो गया, इतने ज़्यादा प्यारे आए हैं। ये है इसका सेकेंड वाला, यहाँ पर आपको ये वाला डिज़ाइन एंड पर्ल्स मिल जाते हैं और पूरे में आपको ये पर्ल लटकाए हुए मिल जाते हैं। इसका एक पर्ल गायब है, यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से गायब है, या तो ये गिर गया डब्बे वब्बे में कहीं होगा। ये झुमके की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है, वेयर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आने वाली है। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, यूनिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखा। नेक्स्ट हमारे अगेन झुमके हैं, वो है हमारे ये वाले झुमके, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये आपको कुछ ऐसे ऐसे झुमके मिलने वाले, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन मिलने वाला है और ये पर्ल्स की आपको लड़ियाँ मिलने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, प्यारा लग रहा है, वेयर करने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। ये साड़ी पे, लहंगे पे बहुत ही प्यारी लुक आने वाली है इसकी, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो इसके लिए थम्स अप है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकंड है हमारे ये वाले झुमके, ये वाले भी सेम ही झुमका हैं, इसमें लड़ियाँ कम हैं बस, वरना डिज़ाइन आप देखोगे एकदम सेम है डिज़ाइन, बस छोटे बड़े का फ़र्क है। इसमें नीचे दोबारा में लड़ियाँ लगाई गई हैं, इसमें सिर्फ यहाँ पे हैं, सिर्फ इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। झुमके की बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, यहाँ पर आपको ये रियल मिरर मिल जाता है और बाकी ये स्टोन लगाए हुए मिल जाते हैं। डिज़ाइन आप देख लीजिए, कुछ ऐसी सी आपको इसमें डिज़ाइन मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, लाइट वेट हैं, वेयर करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। 4-5 घंटे आप इन्हें आराम से वेयर कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। नेक्स्ट है वो है हमारे ये वाले इयररिंग्स, कुछ पैक ऑफ 4 आपको ये मिलते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे से आपको इयररिंग्स मिलने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये वाला कौन सा कलर है, बेबी पिंक है, ग्रीन है, सी ग्रीन कलर है और ये आपको येलो कलर मिलता है। डिज़ाइन देख लीजिए, कुछ ऐसा सा आपको इसमें डिज़ाइन मिलने वाला है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है इनकी, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, वेयर करने के बाद में भी आई थिंक बहुत प्यारे लगने वाले। देखा कितने प्यारे लग रहे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग ये एकदम वर्थेड है। फुल लुक आप साइड में देख लेना कैसे से वेयर करने के बाद में लगने वाले, क्वालिटी तो इनकी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे ये वाले इयररिंग्स, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। ये आपको ये डिज़ाइन मिलने वाला है, कुछ ऐसे से इयररिंग्स हैं, यहाँ फ्लावर मिल जाएगा, कुछ ऐसी सी डिटेलिंग मिल जाती है आपको इसमें। वेयर करने के बाद में काफ़ी अच्छी प्यारी लुक आने वाली है इसकी, बहुत प्यारा लगने वाला है ये। तो लाइट वेट है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेकंड है हमारे ये वाले इयररिंग्स, आप देख लीजिए कितने ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितने प्यारे डिटेलिंग है। ये ना आपको कोरियन इयररिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अच्छी है और ये निकल भी जाते हैं। देखो आप इसे अलग से भी, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है ना, तो आप इसे अलग से भी ऐसे निकाल के, ये देखो ये अलग हो जाएगा और इसके साथ भी वेयर कर सकते हो। लेकिन ये इसी के साथ ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि डिफरेंट लुक आ रहा है इसका, तो ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं तो कहूँगी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्यारे लग रहे हैं। सो जी लास्ट है हमारे ये वाले बाहुबली इयररिंग्स और इसके साथ आपको टीका भी मिलता है। ऐसे से आपको कुछ झुमका मिलने वाले हैं यार, ये मुझे फोकस करता रहेगा, ऐसे से झुमके मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये रियल मिरर का वर्क मिल जाता है, पूरे पे आपको पर्ल्स की डिटेलिंग मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा झुमका है। आप इसे अगर ऐसे करके वेयर करोगे, बाहुबली वाली लुक देने वाला है और बहुत प्यारा लगने वाला है। ये वाले दोनों इयररिंग्स हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लाइट वेट तो मैं नहीं कहूँगी, यस हैवी तो ये हैं क्योंकि ये हैवी है पर्ल्स की वजह से, इसमें पर्ल्स ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से ये हैवी तो हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसे डेली वेयर में तो नहीं पहनोगे, ये तो ऑब्वियसली बात है, बस ये है कि 2-3 घंटे आराम से आप इन्हें वेयर कर सकते हो, थोड़े हैवी हैं लेकिन इसमें तो यार ये यहाँ से ये पल निकला पड़ा है, ये देखो तो ये है बहुत प्यारा है लेकिन ये ना यहाँ से ये निकला पड़ा है वैसे क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये आपको इसका मांग टीका मिल जाता है, कुछ ऐसा सा इसका मांग टीका है,
छोटू सा टीका तो मुझे नहीं लगता मैं इसे टीकों को लगाने वाली हूँ। टीका बहुत प्यारा लग रहा है, छोटू सा टीका है। मेरे ऊपर ना ज़्यादा बड़े टीके सूट भी नहीं होते क्योंकि मेरा माथा ना बड़ा छोटू सा माथा। गाइस ये तो मेरा आज का वीडियो आ रहा है, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इनमें से आपको कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइज़।